अमरवाड़ा में गेस्ट टीचर्स ने सीएम कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के सभी गेस्ट टीचर्स ने कहा कि सरकार ने जो वादा हमने किया था वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। गेस्ट टीचर्स ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक जो है 52 जिलों में ये आज ज्ञापन का दौर जो चालू है कि कमलनाथ सरकार ने जो इनसे जो वादा किया था कि हम नियमितीकरण करेंगे और आज तक की तारीख में नियमितीकरण नहीं हुआ है और आज ये कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपने अमरवाड़ा SDM कार्यालय आए। हम बात करते हैं जी, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है और एक ही मांग है और वो है नियमितीकरण। और ये नियमितीकरण की मांग जो है पिछले 10 सालों से शिवराज शासन काल में भी चली है और उसी के खिलाफत को हमने उनका बहुत खिलाफ किया है, मतलब उनके चुनाव में जो है हमने उनका बहुत विरोध किया और पूरी तरीके से जो है कांग्रेस सरकार का समर्थन किया है, कांग्रेस को लाकर के बिठा ले हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र में 90 दिनों का आश्वासन देते हुए कहा था कि वह हमारे नियमितीकरण को कर देंगे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी, इतने महीने बीत जाने के बाद भी जो है आज सरकार हमारे संबंध में कुछ भी नहीं सोच रही है। इसलिए हम आज कमलनाथ सरकार के विरोध में यहाँ पर उनको अवगत कराने के लिए ज्ञापन देने आए हैं अनुविभागीय कार्यालय में। और इसके बाद जो है हमारा जो विशाल कार्यक्रम है वो रैली का है, तिरंगा यात्रा का है, जो सीहोर से प्रारंभ होगी और सीहोर से प्रारंभ होकर के भोपाल में 5 सितंबर को समाप्त होगी। आज तो ज्ञापन जो सौंपे हैं आपने, अगर इसके बाद भी अगर कमलनाथ सरकार को सुध नहीं लिया आप लोगों की, तो इसके बाद आप कौन सा आंदोलन करेंगे? हम इसके बाद जो है बिल्कुल जाट आंदोलन की तर्ज में उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें हम नहीं देखेंगे कि आम जनता को नुकसान हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है, हम बिल्कुल उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम हमारे बीवी बच्चे समेत परिवार समेत जो है भोपाल में धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे और अब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने ये सोच करके कांग्रेस सरकार को लेकर के आए कि हमारी सुध लेगी, लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। जैसा कि अभी हमने देखे कि एक ब्लॉक अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा के द्वारा हमने बात जब करी तो उनके द्वारा उन्होंने अपनी बात रखी पूरी तरीके से कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम जाट आंदोलन करेंगे, बीवी बच्चों को लेकर हम CM हाउस में बैठेंगे। कैमरामैन जाहिद मंसूरी के साथ सुजान सिंह के अमरवाड़ा।